एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आन अकेडमी नीट एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक टुडे. नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इकोसिस्टम. ठीक है, तो इकोलॉजी के हमने दो चैप्टर्स कर लिए हैं ऑलरेडी, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन और उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. दीज टू वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग फॉर लेक्चर वन ऑफ, इट इज एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है बेटा, तो यहाँ से करते हैं आज कहानी शुरू, कंप्लीट करेंगे इसको. ठीक है, आज नहीं, दो तीन लेक्चर्स तो लगी जाएंगे बच्चे. जो बिल्कुल नए हैं बेटा, आई एम कोमल यादव एंड आई टेक योर बॉटनी सेशंस ऑन अन अकेडमी नीट यूट्यूब पे रोज 8 बजे और अन अकेडमी प्लस पे एवरी डे 5 PM. ठीक है, 5 बजे सेशन होता है, तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो. गुड इवनिंग, सबको बुला लो फटाफट से एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा. Let's get started. PDF, go. हाँ जी, बढ़िया. ठीक है, let's go. फटाफट से जल्दी से बोलो सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को एंड लेट्स गो विद एंड स्टार्ट विद द चैप्टर. बढ़िया, ओके. पहली बात आती है कि इकोसिस्टम क्या है और इकोसिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं. तो ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये दिया था आपको, द टर्म वॉज गिवन बाय टैंसली, साइंटिस्ट का नाम, ओके, टैंसली. अब टैंसले ने ये टर्म दिया फॉर वॉट, वॉट एग्जैक्टली इज एन इकोसिस्टम. तो अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम हो जाएगा बेटा इंटरैक्शन, या आप कह सकते हो सम टोटल ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. एबायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग, जैसे कि विंड, वाटर, एयर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी बेटा. ठीक है, वो सारी आ गई. और वहीं पे बायोटिक हो जाएगा आपका लिविंग कंपोनेंट, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस. ठीक है, वो आपके इंटरैक्शंस जो थे, ठीक है, उनका क्या रोल है, उन ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, उन इंटरैक्शंस का क्या रोल है, तो और ये आपस में कैसे रिलेटेड है. ठीक है, तो ये फैक्टर आ जाता है. अब हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. हमने बोला कुछ लैंड के इकोसिस्टम्स होते हैं और कुछ पानी में होते हैं, दे आर नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स. लैंड वाले इकोसिस्टम्स में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कंपैरेटिवली, ठीक है, एज पर NCERT. लेकिन एग्जाम्पल्स की बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाता है फॉरेस्ट. अब देखो इकोसिस्टम फॉरेस्ट आ रहा है, तो कहीं कभी फॉरेस्ट हो सकता है ना, बंच ऑफ प्लांट्स. याद है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला था, दैट आर अंडर योर बायोम्स, ब्रॉडर, एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है वो. फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया. डेजर्ट में आपको इकोसिस्टम मिलेगा क्या, कैसे ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे ग्रासलैंड्स हो गए, दे आर ऑल्सो अकाउंटिंग एज इकोसिस्टम, जहाँ बायोटिक और एबायोटिक एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं. Biomes are on the basis of temperature and rainfall. This is not on the basis of temperature and rainfall. यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे interaction हो रहा है between living and non-living component. ठीक है, दूसरी चीज aquatic में कौन कौन से आ जाएंगे example आपके पास? Coral reefs, highly diverse, बहुत ज़्यादा diversity मिलती है यहाँ पे, light काफ़ी अच्छी खासी होती है, वेजिटेशन अच्छा होता है, तो जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं आपके या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे काफ़ी मिलेंगे आपको इधर. ठीक है, फिशेस वगैरह बहुत मिलते हैं, कोरल रीफ्स हो गए, एस्चुरीज हो गए. एस्चुरीज में भी आपको काफ़ी बायोडाइवर्सिटी मिलती है. रीज़न, ये वहाँ बनता है जहाँ पे आपका फ्रेश वाटर और ओशन, मैराइन वाटर मिक्स होता है, तो ऑलमोस्ट दोनों के सर्वाइव करने की जगह बन जाती है. ठीक है, तो आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एक्वेटिक के अंदर एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे आपके पास कोरल रीफ्स एंड एस्चुरीज बेटा. क्लियर, लिख लिया, चलो आगे. साथ साथ जल्दी जल्दी
लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे 2023 के लिए 11th क्लास चाहिए होगा ना, 11th क्लास में अगस्त में स्टार्ट करूँगी बेटा, ठीक है? फिर मुझे फुल भीड़ चाहिए अगस्त के लिए, ऐसे नहीं बोलते जाओ सबको और बताते जाओ ये चीज़ें। आई विल बी स्टार्टिंग विद 11th फ्रॉम अगस्त, खत्म हो जाएगा हमारा जुलाई में यहाँ पे यूट्यूब पे। आई विल कम्प्लीट दी दिस एंड दी अदर चैप्टर बाय द एंड ऑफ जुलाई, बस खत्म। फिर ग्यारहवीं शुरू करेंगे बिंदास, ठीक है? चलो ओके, नाउ देर आर टू टाइप्स। अब ये हमने बोला नेचर और हमारे इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे, तो पिछला क्या था, वो नेचुरल इकोसिस्टम के ही दो तरीके थे कि हमने एक लैंड पे बनाया हुआ है और एक पानी में बनाया हुआ है। अब हमारे पास आ जाते हैं दो ही एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल नेचुरल इकोसिस्टम जो वैसे एग्जिस्ट करते हैं, एंड देन देर आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम्स, ठीक है? नेचुरल इकोसिस्टम खुद का ध्यान रख सकता है, ठीक है? सो वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ सस्टेनेबल, अपना ध्यान खुद रख सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे या आप जंगलों में जाके पानी डाल रहे हो तभी वो खिलखिलाते हुए जंगल है, नहीं ना, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, यहाँ पर भी वही पॉइंट्स लिखते जा रही हूँ मैं साथ साथ, नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, ठीक। दूसरा पॉइंट, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर आप देखोगे कभी भी बहुत सिंपल सा चेंज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, काफी कोई किसी को खा रहा है, कोई कुछ खा जा रहा है, कुछ कुछ खा जा रहा है, सो इट्स अ नेटवर्क, है ना? तो नेचुरल इकोसिस्टम में वी विल फाइंड फूड वेब्स ड्यू टू हाई डाइवर्सिटी, बेटा फूड वेब्स किस लिए, क्योंकि हाई डाइवर्सिटी है वहीं पे। आप नेचुरल मैन मेड इकोसिस्टम, एक खेत की बात करते हैं, पेड़ लगाए उसके ऊपर कोई कीड़ा लगा हुआ है, हम उसको मारना चाह रहे हैं, बस सिंपल, इसलिए खुद को सस्टेन भी नहीं कर पा रहा। बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर याद हो तो पॉल एलरिच एंड डेविड टिलमैन एक्सपेरिमेंट, डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट में यही था कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा आपको स्टेबल इकोसिस्टम मिलेगा, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम मिलेगा, राइट? तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे फूड वेब है, यहां पे सिंपल फूड चेन मिलेगा, बट दैट विल ऑल्सो बी वेरी सिंपल, ठीक है? तीसरा पॉइंट, यहां पे क्या लिखा हमने, क्योंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है, यहां लेस डाइवर्स, ठीक है? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, फोर्थ में एग्जांपल लिख देती हूँ, यहाँ पे भी एग्जांपल लिख देती हूँ। नेचुरल में आपके पास यही आ गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ठीक है? एक्वेटिक का भी पीछे बताया, कोरल रीफ्स। कोरल कैसा होता है, कोरल मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को, दिस इज हाउ अ कोरल लुक्स, देखो ये है कोरल, दिख रहा है? ये ब्लीच्ड कोरल है, तो इसके अंदर अब कोई कलर नहीं है, वरना यूजुअली कोरल्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड, ऐसे ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, ये तब जब कोरल मर गया, दिस इज अ डेड कोरल, ठीक है? अब कोरल रीफ्स में आपको ये बहुत ज्यादा दिखते हैं, डिपेंडेंट इनके ऊपर काफी ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। तो ऐसे में अभी हमारे पास जो इतना ज्यादा हम टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स उसमें डाल रहे हैं ना ओशन में, उसकी वजह से ये कोरल्स ब्लीच हो जाते हैं, दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू सस्टेन उसके ऊपर का इको सिस्टम, गॉन, डब्बा गुल, ठीक है? नाउ हाँ, इसमें एग्जाम्पल की बात करती मैं, मैन मेड इको सिस्टम्स के अंदर इसमें आ जाएगा एक्वेरियम। अब जैसे आप अगर पानी नहीं बदलोगे, साफ नहीं करोगे तो वो खराब, तो एक्वेरियम आ गया। फिर आपके पास आ जाएंगे फार्म्स, फार्मलैंड्स, खेत खलियान, लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छा है, दैट इज शुगर केन फील्ड्स। है यार शुगर केन फील्ड्स, इसके बारे में और डिटेल देखते हैं अभी आगे। खेती हो गए एक तरीके से, खेती हो गए, बट
वेरी स्मॉल इकोसिस्टम, वेरी वेरी टिंगूसा इकोसिस्टम, है ना? ठीक है, चलो आगे. वेरी सिंपल, समझ में आया. यहां पे एक पॉइंट आप और लिखोगे दैट इन मैन मेड इकोसिस्टम यू फाइंड हाई प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब आपने जो इनपुट दिया उसके बदले में बायोमास काफी बना, जितना उसने खाया उसके बदले में बहुत कुछ दिखा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बायोमास एक्यूमुलेट होता दिख रहा है. सो दैट इज गोइंग इनटू प्रोडक्टिविटी. क्या होता है प्रोडक्टिविटी, डिटेल में लेते हैं अभी आगे. ओके, नाउ इफ यू लुक एट इकोसिस्टम्स ब्रॉडली, किसी भी आप इकोसिस्टम को देखोगे ना, तो आपको दो चीजें उसमें ध्यान देनी है. दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कैसा बना हुआ है, उसमें दो चीजें आती हैं आपके पास. पहला आता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन, कैसे स्पीशीज है, कौन से स्पीशीज है, कितने प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं, ठीक है, कितने कंज्यूमर्स, व्हाट इज द डाइवर्सिटी, ठीक है, ये सारी चीजें हम कॉम्पोजिशन में लेके आते हैं. चिड़िया है, सांप है, पेड़ है, चूहा है, तो हाउ डाइवर्स आर वी, सिंपली कॉम्पोजिशन. और अगला आता है आपके पास स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन में हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, स्ट्रैटिफिकेशन में आ जाएगा लेयर. जैसे देखो, अगर एक फॉरेस्ट का हम बनाएंगे लेयर, तो घास लगी हुई है, ठीक है, यू हैव ग्रासेस, फिर थोड़े से और ऐसे घने से यू हैव श्रब्स, ठीक, ग्रासेस, श्रब्स, और फिर इससे ऊपर आ जाओगे तो बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे, ट्रीज, और देन यू हैव वेरी टॉल ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ बना देते हैं. Very tall trees. So basically, it's a vertical distribution. ये आप देख रहे हो layers बनते जा रहे हैं. So this is vertical distribution. ठीक है, vertical distribution of that particular ecosystem. तो structure कैसा है उससे idea लगेगा हमें. तो जैसे हमारा tropical rainforest होता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, इतनी डाइवर्सिटी को आपको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा कहीं पे, इतनी डाइवर्सिटी कहाँ रखोगे, तो उसको एडजस्ट करने के चक्कर में सब अलग 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 स्ट्राटा में चले जाते हैं. दैट इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन. तो अराउंड 4 to 5 स्ट्राटाज आपको मिलेंगे इन वेरी डाइवर्स लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक, जहाँ पे आपका डेजर्ट है वहाँ आपको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा, आपको इतने लेयर्स भी नहीं मिलेंगे. राइट, इट विल जस्ट स्टे टू एक या दो, हार्डली एक डेजर्ट जैसे इकोसिस्टम में कुछ भी नहीं है वहाँ पर. तो क्या क्या है इकोसिस्टम में और फिर वो कैसे अरेंज्ड है. तो जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जितना ज़्यादा स्पीशीज कॉम्पोजिशन होगा, उतने आपको लेयर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि सब कोई वहीं रहना चाहता है ना. जैसे जिन शहरों में आप गाँव में नहीं देखते ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, क्यों नहीं देखते, लोग वहाँ से निकल रहे, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहे. लेकिन शहरों में यू सी सच हाई राइज बिल्डिंग्स, क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जब रहना सबको एक ही जगह पे है, नहीं रहना सब जगह, यहाँ लगाओ बड़े बड़े बिल्डिंग, ठीक है. हाँ करेक्ट बेटा, ठीक है. क्लियर, एक मिनट देना मेरे को. हाँ
चलो यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया, गुड। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पे, और एक बार इस पूरे चार्ट को देखो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बनाना हो तो नोट्स में लिख लेना चाहे बाद में, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अब ध्यान से देखो हमारे पास पॉइंट क्या है। इकोसिस्टम में दो कॉम्पोनेंट्स आते हैं, ए बायोटिक और बायोटिक बोला मैंने, ए बायोटिक वाले सारे हम ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में पढ़े, ठीक, क्या पढ़े, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस, याद है मैंने लिखवाया था, सेम चीज़ लिखवाई थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या पढ़ा था, विंड वाटर टेम्परेचर लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। फिर आया था एडाफिक फैक्टर्स, सॉइल के फैक्टर्स, सॉइल के फैक्टर्स में सॉइल कैसा है, पीएच कैसा है, किससे बनता है, वेदरिंग कैसे होती है, वो सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था पूरा, तो वो यहाँ आ गया, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर लिविंग कॉम्पोनेंट के बारे में, क्योंकि ए बायोटिक फैक्टर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में पढ़ा, डाइवर्सिटी क्यों है, किस लिए है, क्यों बचाने की जरूरत है, क्या हो गया, ये हमने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ा। अब लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन ऑफ दैट बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीशीज, सबका अपना अपना क्या रोल है, ठीक है। तो रोल की बात करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास आ जाएंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर्स, तीन कैटेगरी, एक जो खाना बनाते हैं, एक जो खाना खाते हैं, और एक जो खाना पचाते हैं, ठीक है। सो एंड में डीकम्पोजर्स, कंज्यूमर की कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कोई खाना बनाने वाला तो एक ही होता है ना, मम्मी है घर पे, बट खाना खाने वाले तो सारे हैं, 10-12 लोग, तो प्राइमरी कंज्यूमर सबसे पहले कौन खाएगा, पहले सबसे पहले किसको परोसा जाएगा घर में, तो जैसे दादा दादी नाना नानी वगैरह हैं अगर, तो उनको दिया जा रहा है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर पापा को मिल जाएगा खाना, थोड़ा बहुत खा लो भाई। फिर आएगा टर्शियरी कंज्यूमर, तुम्हारी बारी, थोड़ा बहुत तुमको दे दिया जाएगा खाना, फिर जो बचा वो मम्मी खाएंगी बेचारी। लेकिन यहाँ इतना बेचारा कंडीशन नहीं है, ये इन्होंने एक दूसरे को अलाइन कर लिया है। अब जिसको खाना पहले खाना है वो यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। लेकिन वी विल फाइंड सम बेटर अलाइनमेंट ऑफ दिस, ठीक है। चले कूल, क्या गप्पे चल रहे हैं यहाँ, क्या गप्पे चल रहे हैं, मतलब मैं क्या पढ़ा रही हूँ और क्या चल रहे हैं। हाँ जी मैम जी, कूल, लेट्स गो, लेट्स गो। कौन कौन कहाँ कहाँ लिखते चलते हैं, तुम लोग नॉर्मल भी लिख लेना, ठीक है। ये तो मैंने तो ऐसे लिख दिया अलग अलग, बट यू कैन जस्ट राइट इन वन सिंगल, ऐसे लाइन लाइन में जा सकते हो आगे, अच्छे से नोट्स में आ जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मतलब लैंड पे प्रोड्यूसर कौन कौन है, हु ऑल आर प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की बात करूँ तो ये खाना सबसे पहले बनाने वाले, इनको हम ट्रांसड्यूसर्स या फिर कन्वर्टर्स भी बोलते हैं। कन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स का मतलब क्या हुआ कि ये खाना बनाते टाइम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर ट्रांसड्यूसिंग द एनर्जी एंड ट्रांसड्यूसर्स आ गए, तो ये खाना पचाने वाले लोग, ठीक। अगला पॉइंट, इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन आएगा, आप जानते हो, यहाँ तो प्लांट्स हैं, सिंपल ब्रांच में हर्ब शर्ब ट्री जो भी आपके ग्रीन कलर के हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स में आएंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में, पानी में ये काम फाइटो प्लैंक्टन्स करते हैं। अब फाइटो प्लैंक्टन्स में कौन आता है, बहुत कंफ्यूजन है कि व्हाट इज देयर इन फाइटो प्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटो प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, मोस्टली यूनिसेलुलर, एक सेल का बना होगा, आप माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हो उसको, ऐसे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स जो कि खाना बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिसेल्युलर
फोटोसिंथेटिक कौन से हैं, तो कहाँ कहाँ कैटेगरी आती है सोच के देखो जरा। यू हैव प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में आपके पास डाई एटम्स डाइनोफ्लाजिलेट्स वगैरह थे। यूनिसेल्युलर एल्गी है आपके पास लाइक क्लेमाइडोमोनास, कुछ कॉलोनीज में भी रहते हैं ठीक, कुछ फिलामेंट की तरह भी रहते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा। सो दीज आर ऑल कंसिडर्ड अंडर फाइटोप्लांक्टन्स ठीक है। ये खाना बनाना जानते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बड़े नहीं होते। अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में और किसी को भी रखना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कीप एल्गा इन दिस, एल्गी भी रख सकते हो, फाइटोप्लांक्टन्स एंड एल्गी। बट ज़्यादातर हम फाइटोप्लांक्टन्स की ही बात करते हैं, एल्गी की इतनी बात नहीं करते हैं ठीक है, क्योंकि हो जाएगा कवर। फिर आता है कि इनको खा कौन रहा है। जो सीधा पेड़ों को खाते हैं दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑल्सो नोन एज फर्स्ट कंज्यूमर या हर्बीवोर्स। अरे यार ये नाम तो सुना ही है तुम लोगों ने, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं है, है ना, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। हर्बीवोर्स, अब हर्बीवोर्स के अंदर टेरिस्ट्रियल में कौन आएगा और एक्वेटिक में कौन आएगा, जो पहली बार खा रहे हैं सीधा पेड़ को खा जा रहे हैं। तो टेरिस्ट्रियल के लिए मैं टी लिख रही हूँ, एक्वेटिक के लिए मैं ए लिख रही हूँ। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि डियर, काउ, ज़ीब्रा ठीक है, ग्रास हॉपर, इंसेक्ट्स होते हैं जो खाते हैं छोटे छोटे कीड़ों को, ग्रासेस को, ग्रास हॉपर खा रहा है। एक्वेटिक में कौन हो जाएगा, ज़ू प्लांक्टन्स। अब ज़ू प्लांक्टन्स क्या होते हैं, फाइटोप्लांक्टन्स थे हमारे फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ज़ू प्लांक्टन्स आर यूनिसेल्युलर एनिमल्स ठीक है, तो इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट नहीं है, तो क्लोरोफिल नहीं है, तो ये किसी को खाएंगे। अब क्या खाएंगे, ये अपने से छोटा ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे, फाइटोप्लांक्टन खा गए। ठीक है, क्लियर बच्चे, ठीक ओके। नाउ इनको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम बोल सकते हैं पहले कार्निवोर, फर्स्ट कार्निवोर्स। ये किसी को फ्लैश, सम फ्लैश ईटिंग ना, तो प्राइमरी कार्निवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला प्राइमरी कार्निवोर। सो प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर्स दूसरे लेवल पे आ गए। टेरेस्ट्रियल में कौन आएगा, एक्वेटिक में कौन आएगा, ग्रास ऑपर को खाने वाला फ्रॉग ठीक है, और कौन आ जाएगा इसके अंदर, फ्रॉग्स आ गए, एंड इफ यू थिंक ऑफ और कौन आएगा बताओ, एक गैस बनाओ कोई, तो छिपकली वगैरह कीड़े खाती है, छिपकली आ जाएगी, लिजर्ड, लिजर्ड्स है ना, मकड़ी, स्पाइडर, ये लोग कीड़े वीड़े खाते हैं थोड़ा, तो ये सारे आ जाएंगे। और कुछ बोलो, और कोई है, स्नेक अभी नहीं ला रहे, स्नेक को थोड़ी देर में लाएंगे ठीक है, स्नेक को एक स्टेप और ऊपर लेके आएंगे। एक्वेटिक में आ जाएंगे स्मॉल फिशेस, टिंगू टिंगू फिशेस, स्मॉल फिशेस, छोटे जो फिशेस हैं वो ज़ू प्लांक्टन्स खाते हैं। आज तो दिमाग की धज्जियां उड़ गई, और कैस हो गया इसका हो जा रहा है, फिशर आ गया, स्मॉल फिशर, स्मॉल फिशेस। अरे टाइगर वाइगर बड़े हो गए यार थोड़े, वो सीधा जंप कर गए। अच्छा देखो, अगर मान लो टाइगर खा जाता है इस हिरन को, कहाँ गया हिरन ये ठीक है, ग्रास हॉपर के लिए लिखा है मैंने फ्रॉग, लिजर्ड्स और ऐसे ठीक है। अगर डियर को सीधा लायन खा जाता है या टाइगर खा जाता है, तो आपका ये ना डिपेंडेंस, ये फूड चेन ये बहुत छोटा हो जाएगा, कि पेड़ खाया, डियर खाया, डियर को हिरन खा गया। यूजुअली टाइगर, डियर को हिरन खा गया बोला मैंने, डियर को लायन खा गया। अब यूजुअली वो टॉप कार्निवोर्स में आते हैं, मतलब वो नीचे के सबको खा सकते हैं ना, तो ऐसी कैटेगरी में आ जाते हैं यूजुअली इन अ फूड चेन। सो टॉप वन
टॉप प्रेडेटर को हम यहाँ लिखेंगे, तो ये टाइगर लायन इनसे ऊपर कुछ नहीं जाएगी ना बेटा चेन, यहाँ टर्मिनेट होती है चेन, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी वाली फूड चेन पढ़ रहे हो जो कि कितनी लंबी चले, ज़्यादा चार से पाँच, पाँच से ऊपर नहीं जाता है, पाँच इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, तो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल फूड चेन से आपको एग्जांपल बता रही हूँ, छोटे भी हो सकते हैं फूड चेन, बड़े भी हो सकते हैं फूड चेन, ठीक है। चलो टर्जरी कंज्यूमर्स में कौन आ जाएगा, टर्जरी कंज्यूमर मतलब सेकेंडरी कार्निवोर, टर्जरी में एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में यहाँ पे बेटा आपका स्नेक आएगा, स्नेक्स आ गए, ठीक है। कुछ बर्ड्स हैं जो इनको खाती हैं, इतने बड़े बड़े फ्रॉग्स वगैरह लिजर्ड्स को खा जाएंगे, इसको मार देंगे, स्पाइडर वगैरह को मार देंगे, सो यूजुअली स्नेक्स आर एट द टर्जरी लेवल। और यहाँ पे आते हैं लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस। अब एक्वेटिक ना यहाँ ख़त्म हो जाता है बेटा, चार ट्रॉफिक लेवल बस, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर आपके पास बाहर आ जाए पेड़ पानी के बाहर, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स मतलब बिल्कुल फूड चेन के एंड पे, ऊपर वाले एंड पे, एक है नीचे वाला एंड, नीचे वाले एंड पे प्रोड्यूसर होगा, खाना बना रहा है, ऊपर वाले एंड पे कौन होगा, टॉप कार्निवोर, मतलब ये तो ख़त्म, यहाँ टर्मिनेट होता है चेन, अब इसके बाद ये मरेगा और उसको कोई खाने रहा कुछ, मतलब अल्टीमेटली डिकम्पोज ही होगा वो, ठीक। टॉप कार्निवोर में यहाँ आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, यहाँ लिख देती हूँ बेटा इसका ना, आई एम गोइंग टू राइट इट्स एग्जाम्पल्स हियर, आपके पास जगह होगी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं लायन, यहाँ हम कुछ ज़्यादा नहीं जा रहे, लायन टाइगर रखना चाहो तो तुम खुद को भी रख सकते हैं, ह्यूमंस, ह्यूमंस भी आ जाएंगे यहाँ पे, और वल्चर्स, वल्चर तो और अलग लगाते हैं, रुको वल्चर भी नहीं, कुछ फिश ईटिंग बर्ड्स, फिश ईटिंग बर्ड्स, चीता, ठीक है, फाल्कन, एंड ये सब आ जाएंगे आपके टॉप टॉप कंज्यूमर्स में, ठीक है। हाँ ईगल, ईगल इज देयर, ईगल भी लिख सकते हो, करेक्ट, ईगल आ जाएगा, पीकॉक, पैंथर, ये ऊपर ऊपर आ गए टॉप पे, ठीक है बेटा, हाँ टॉप, टॉप कार्निवोर्स में, राइट। ये तो खाना बनाया, ये इसको खा गया, अब ये दोनों मरेंगे तो उनको वापस मिट्टी में कौन मिलाएगा, मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना, तो मिट्टी में कौन मिलाएगा, डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर बेसिकली गेटिंग रिड ऑफ, गेटिंग रिड ऑफ ऑर्गेनिक गार्बेज, जो नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, सो helps in breakdown of organic waste, ऐसे organisms जो इस process में help करेंगे are known as decomposers। अब decomposers में तीन category, three type of organisms are there, first scavengers, scavengers, ठीक है। scavengers क्या करते हैं बेटा, जो dead है ना उसके ऊपर से flesh ही ले जाते हैं, तो आपने देखा होगा vultures को, vultures these are usually flesh eating, है ना, जो बस आपका bone का जो covering बच जाती है, जैसे अगर किसी tiger ने hunt किया, ठीक है, उसके बाद जो बचा रह गया उस पर उसको खाने आ जाएंगे। वल्चर्स आर लाइक ऑब्लिगेट स्कैवेंजर्स, ऐसे ही आपको क्रो भी मिलता है, क्रो भी स्कैवेंजर्स में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे क्रो जैसा ऑर्गेनिज्म है ना, क्रो दोनों में आता है, ओमनीवोर है, ओमनीवोर्स आर जो पेड़ भी खा सकते हैं और फ्लैश भी खा सकते हैं, जैसे हम हैं, वी आर ऑल्सो ओमनीवोर्स, है ना, हम दोनों खा रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन हो अगर, तो आप वेज भी खा रहे हो, नॉन वेज भी खा रहे हो, आप प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट हो, आप एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हो, तो ये बड़े ऐसे हैं जिनको आप एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लासिफाई नहीं कर सकते, ठीक है।
ठीक है, दिस यू विल आइदर हैव टू पुट इट वन वे और द अदर, कहीं ना कहीं तो इसको रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है. हाँ क्लियर, लिख लिया. फॉक्स भी आ जाएगा, फॉक्स भी आ जाएगा, और हाइनाज आर ऑल्सो देयर. हाँ वो जो जंगली से होते हैं, बड़े गंदे होते हैं यार वो, दे वेरी बैड. हाइनाज आर ऑल्सो देयर, वेरी बैड, मारते फाड़ते हैं इधर उधर, ठीक है. हाँ अगला आ जाएगा, पहला मैंने बोला आपको स्कैवेंजर है, ये ऑर्गेनिक गार्बेज हटा रहा है. दूसरा हमारे पास आ जाते हैं पैरासाइट्स. पैरासाइट्स तो यू नो होस्ट बना के रहेगा, किसी और ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंट है, ठीक है. तो पैरासिटिक कंडीशन आ गई. पैरासाइट को तो हमने पूरा डिटेल में पैरासिटिक और पैरासिटिज्म में पढ़ा था, है ना. देन देयर इज थर्ड कैटेगरी. थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आएगा क्या, थर्ड कैटेगरी इज गोइंग टू बी कौन सा हो गया, पैरासाइट हो गया, ये डेट्रिवोर्स. डेट्रिवोर्स ब्रेक डाउन, ब्रेक्स डेट्राइटस. अब डेट्राइटस क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन. इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएंगे अर्थवर्म्स, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. डेट्रीवोर्स डेड एंड डिकेइंग को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं. जैसे मान लो पत्ते गिरे हैं नए नए, तो उसको ब्रेक डाउन में शुरू हुआ, अब उसके लिए आपको डेट्रीवोर्स चाहिए. दे ब्रेक डाउन डेट्राइटस. डेट्राइटस इज द बेसिक रॉ मटीरियल फॉर डीकम्पोजिशन, ठीक है. हाँ क्लियर. इतने दिल क्यों भेजे जा रहे हैं, क्या हो गया. बेटा जितनी मुझे हिंदी आती है उतना तो मैं बोल ही देती हूँ, बाकी देखो तुम्हारी श्रद्धा है. पढ़ना हो तो देखो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. बिकॉज वन थिंग इज देयर, आप अगर नीट का पेपर हिंदी में आएगा तो नीट का पेपर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसके बाद आपका 11th 12th, ये आपका जो ग्रेजुएशन है MBBS का, उसमें सारी बुक्स और सब कुछ ही इंग्लिश में है, तो वहाँ वो प्रॉब्लम फेस करोगे. इससे अच्छा धीरे धीरे शुरू कर दो चीज़ों को, है ना. धीरे धीरे साइड बाय साइड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स करते जाओ कवर. और जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक छोटा सा टिप, NCERT की ही साइट पे ncert.nic.in पे हिंदी में भी NCERT अवेलेबल होती है, ठीक है. तो हिंदी और इंग्लिश वाली को डाउनलोड कर लो और पैराग्राफ यहाँ से पढ़ो, वही पैराग्राफ सामने से भी पढ़ लो, ठीक है. तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, ओके राइट. चलो और भी एग्जांपल्स में कुछ आ जाएगा तो आपके पास. यहाँ तो बैक्टीरिया वगैरह आ गया, ये तो पढ़ा हुआ है यार. पैरासाइट्स तो यू नो बैक्टीरिया एंड फंगस, पैरासाइट जैसे रह रहे हैं ना. दूसरा यहाँ अर्थवर्म और दीमक, वो बड़े बड़े जो लकड़ी के ऐसे पेड़ गिर जाते हैं उस पर दीमक चढ़ जाती है ना, पूरा उसको डिकम्पोज कर देती है. सो टर्माइट्स, दीमक को क्या कहते हैं हम, टर्माइट्स. यार एक मिनट रुकना प्लीज़. आवाज़ आई ठीक, अरे आ गई आवाज़ आ गई, कुछ हो रहा था गड़बड़ है. ओके नाउ कमिंग टू फंक्शन, ये मस्त पार्ट है. तो ये पूरा चैप्टर यही है, ठीक है. द होल चैप्टर इज दिस, हम इन्हीं पॉइंट्स को पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, दैट्स इट. और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग.
आपके इकोसिस्टम में हो क्या रहा है. वही मैंने बोला ना, हमने बायोटिक वाला पढ़ लिया पार्ट, बायोटिक इज डन नाउ, ए बायोटिक इज डन. बायोटिक वाले कॉम्पोनेंट पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं. प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग. प्रोडक्टिविटी में वही ब्लैक वाइट चाहिए. प्रोडक्टिविटी में वी वॉन्ट न्यू बायोमास जेनरेशन. नया बायोमास बनता है, न्यू बायोमास जेनरेशन, ठीक है, इट इज बीइंग जेनरेटेड. यहां पे डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स के अंदर जो बायोमास बना है उसको वापस तोड़ा जाएगा ताकि उससे न्यूट्रिएंट निकल सके, ठीक है. तो ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास, ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास. अब देखो प्रोडक्टिविटी के टाइम पे जो नया हमारे पास मास बन रहा था, बायोमास मीन्स लिविंग कंपोनेंट जो इंक्रीज हो रहा है. एक नया पत्ता भी एक्स्ट्रा आता है ना आपके गमले में, तो दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बायोमास. कि कुछ ऐसे रैंडम केमिकल्स थे नेचर में, नाउ दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म समथिंग एंड समथिंग लिविंग, ठीक. तो बायोमास का जनरेशन हुआ, बायोमास का ब्रेकडाउन हुआ. ब्रेकडाउन होते टाइम जो उसको तोड़ते टाइम हमको एनर्जी मिलेगी, वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाएगी, दैट इज नोन एज एनर्जी फ्लो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है. एंड देन लास्ट इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग और न्यूट्रिएंट साइकलिंग. अब देखो कुछ बना था, डिकम्पोज हुआ, सॉइल में गया उसका न्यूट्रिएंट, एंड देन बैक टू वही वापस बनेगा. उसी को तो एब्जॉर्ब करोगे ना, क्योंकि अगर आप किसी आप अर्थ को देखते हो, सो वी आर थिंकिंग अबाउट अर्थ, ठीक है बेटा. यहाँ पे हमारा एनर्जी का सोर्स तो कहीं बाहर लाई करता है, सन इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना. तो सन इज नॉट इन दिस एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, वो बाहर है, वो दूर है. तो हमारा एनर्जी का जो सोर्स है वो एक्सटर्नल है, ठीक है, वो एक्सटर्नल है. तो अर्थ इज एन ओपन सिस्टम फॉर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी आती जा रही है और बाहर से आ रही है. बट अर्थ इज अ क्लोज्ड सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स. बाहर से कहीं से कोई आपका मीटियर या ऐसे एस्ट्रॉइड वगैरह गिर के नहीं आ रहा जिसमें कि न्यूट्रिएंट आए हो. जो हमारे पास है वो यही है, अर्थ पे ही है, यही टूटेगा वापस, इसी में घूमेगा, यही यही रहेगा. इधर से ना बाहर जा रहा है कुछ, ना अंदर आ रहा है कुछ, बाहर पर भी चला गया बहुत सारी चीज़ें, बट अंदर नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ, ठीक है. सो एनर्जी के हिसाब से हमारे पास बाहर से आ रही एनर्जी, तो इट्स एन ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम फॉर न्यूट्रिएंट्स. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स बायोमास में जा रहा है वो वापस से डीकम्पोज होके सॉइल में आ रहा है, सॉइल से फिर वापस जा रहा है. सो दिस इज अ साइकिल, दिस इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. याद कैसे करना है, इनिशियल्स ले लो बस, पी डेन, पी डेन, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यही है बस, इतना ही है और आपका चैप्टर, ठीक है बेटा. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. कल हम प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन में दो कॉम्पोनेंट कराऊंगी, फिर ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर. ओके, चलिए और राइट. तो दो चार थोड़े आपके पास अनाउंसमेंट्स हैं. सो ये आपके ऑफर्स स्टिल वैलिड टिल 16th, जेई और नीट वाला भी वैलिड चल रहा है. तो कोड आप जानते ही हो, कोमल लाइव, यूज़ द कोड एंड जॉइन मी ऑन प्लस, ठीक है. और बेटा प्लीज़, आज ही एक इंसिडेंट हुआ है थोड़ा सा, एंड आई रियली वॉन्ट टू कन्वे दिस टू यू. सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, नहीं ले रहे हो तो मैं घर भी नहीं आ रही तुम्हारे, क्या ना डंडा मार के नहीं तुमसे सब्सक्रिप्शन लिया जा रहा. व्हेन यू आर एंटरिंग अ क्लास,
प्लीज़ ऐसे आया करो जैसे आप किसी नए बैच में ऑफलाइन में जाते थे, है ना? पहले दिन सुनते हो ना आप टीचर की, राइट? तो प्लीज़ उस दिन सुनो और डोंट गेट डिविएटेड फ्रॉम योर टारगेट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. और उसके लिए आपका टारगेट पढ़ाई है. किसी टीचर से हैंड रेज करने का या किसी टीचर से बात करने का पॉइंट नहीं है. वी विल गेट टू नो ईच अदर. इट इज़ अ पर्सनल इंटरेक्शन. टीचर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, आपके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं. दैट इज़ वेरी ट्रू. जो बच्चे रेगुलर हैं उनके साथ हो पाती है ये बात. पहली बार क्लास में आए हो, थोड़ा चीज़ों को समझो, नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ लो, मैम ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. एब्सोल्युटली ओपन टू इट. ठीक है? तो इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ये सोच के आ रहे हो अगर कि मैंने तेरा कोड लगाया है, अब तुम मुझसे बात करो दिन भर, शाम भर, रात भर, सुबह भर, ये डजंट वर्क. ठीक है? आई एम योर टीचर. थोड़ा सा अंडरस्टैंड दैट पॉइंट दैट आई एम देयर टू टीच. आप भूल जाते हो शायद पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं भूलती हूँ. सो दैट इज जस्ट एन हम्बल रिक्वेस्ट. एनीबडी हु इज जॉइनिंग प्लस यूजिंग द कोड, आई एम देयर टू गाइड यू फॉर नीट. ठीक? सो प्लीज़ थोड़ा सा डिसिप्लिन, बिकॉज दैट विल बी हाईली रिक्वायर्ड फॉर योर प्रोफेशन जो आपको चाहिए. ठीक है? थोड़ा सा उसमें ध्यान देना. ओके, 2022 के लिए और 23 के लिए बैचेस हैं. आई एम ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद संजीवनी. तो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा 11th का बैच. 11th का बैच जो है आपका, दैट इज़ संजीवनी का ही 2023 का बैच है वो. और उसमें मैं आपको करा रही हूँ सेल चैप्टर. तो 15 तारीख 5 बजे से 1.5 घंटे की क्लास होगी, 6:30 बजे तक फ्री होंगे, राइट? अच्छा, प्रोडिजी की हमने बात करी थी. ये स्कॉलरशिप है, 11 करोड़ तक का स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप एनरोल करोगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा. मेक श्योर एनरोल करते टाइम कोमल लाइव कोड लगा दो. इसके ना डेट्स चेंज हुए हैं बेटा, इसका एक बार नोटिस करना. और ये अपने बाकी फ्रेंड्स जिनको आपने पिछली बार शेयर किया था उनके साथ भी शेयर कर देना. मैं हट जा रही हूँ थोड़ा साइड में. लुक एट दिस, एंड दिस इज़ द न्यू स्केड्यूल. हुआ क्या ना, वी स्केड्यूल इट फॉर 24th एंड 25th ऑफ जुलाई. ठीक है? लेकिन वो जेई के साथ क्लैश कर रहा है, तो 2021 के काफ़ी बच्चे वो अपेयर नहीं कर पाएंगे. ठीक? तो इसलिए वी शिफ्टेड दिस टू 14th एंड 15th ऑफ अगस्त. और 15 अगस्त की छुट्टी भी होगी, तो आराम से सुबह संतुष्टि से पेपर दे देना. ठीक है? नाउ ओके, सो ऑब्वियसली यू नो दैट बहुत सारे मस्त ऑफर्स हैं. और आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फीस भी वी आर गोइंग टू स्पॉन्सर जो फर्स्ट टू होंगे. और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं टू बी वन. एंड ये आपका टेस्ट चलेंगे, प्रोडिजी के ही टेस्ट हो रहे हैं, एवरी डे प्रैक्टिस. तो टेस्ट के अंदर आपको ये जीतने का मौका मिल जाएगा. यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप एंड डेली प्राइजेस. ये लास्ट ईयर के प्रोडिजी विनर्स हैं. दिस इज द लिंक दैट विल बी गिवन. और कोड क्या यूज करना है आपको? कोमल लाइव, KOMALLIVE लाइव. ठीक है? कोमल लाइव कोड यूज कर लो एंड गो अहेड. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन का मेन डिफरेंस दिया हुआ है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मेंटरशिप मिलती है बेटा, पर्सनल गाइडेंस, राइट? तो इफ यू रिक्वायर समबडी एट अ, एक सेकेंड में आ जाए, बस मैं बोलूँ और हो जाए मेरा काम, है ना? तो उसके लिए थोड़ा ये पर्सनल गाइडेंस वाली बात हो जाती है कि मेरे को मेरे हिसाब से बना के दे दो टाइम टेबल. मेरे को मैं बकरी, क्योंकि मैं नहीं करूँगा खुद अपने आप कुछ. अगर ये ठान लिए, विच इज़ वेरी रॉन्ग. एक होता है पर्सनल गाइडेंस, आप लॉस्ट हो, है ना? आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कन्फ्यूज हो. कन्फ्यूजन मिटाने के लिए इंसान है. प्लानिंग में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा इनिशियली हिचकिचाहट हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, हेल्प्स. बट अगर इनसे भी आप ये पूछोगे कि मैम बायो कैसे पढ़ते हैं, टेन मैसेजेस अ डे कैसे पढ़ू कैसे पढ़ते कैसे हैं, क्या करूं, पढ़ू क्या भाई, 11वीं में ऐसे ही आ गए हो, 11वीं तक कैसे पहुंचे, कुछ तो किताब खोली होगी ना, पता नहीं बायो कैसे पढ़ते हैं भाई. हमने तो पढ़ना सीखा है, किताब खोलो, नोटबुक उठाओ, पेंसिल उठाओ, नोट्स हैं, टीचर है, पढ़ा रही है, पढ़ लो, सुन लो,
दिमाग दिया ऊपर वाले ने, इस माले को क्यों खाली करा हुआ है, कोई रह रहा है इसमें रेंट पे, पैसा मिलता है किसी को खाली दिमाग देने का, क्यों नहीं यूज कर रहे हो भाई, वाई, हु स्टॉपिंग यू, क्या करोगे इसका? कोई मनी बैक गारंटी तो है नहीं कि जितना दिया था उतना वापस लाया, वाह 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 क्या बात है, लिया रख देते, डोंट वेस्ट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, बहुत एनर्जी लगती है एक इंसान बना देने में, ठीक है, एक दिस इज जस्ट यू आर अ मास, यू आर बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड ऑन दिस प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स, एंड देन यू आर गोइंग क्या कर रहे हैं भाई ऊपर वाला, ये चीज को इवॉल्व करने में पता है कितने सालों लगे हैं, यूज इट अ लिटिल, आई एम आस्किंग, सारा एक्सपर्ट गाइडलाइन सब कुछ आपको मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग, अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो तो प्लस भी चलेगा, नो इश्यूज, यू कैन गो फॉर वीकली एंड लाइव क्लासेस, टेस्ट वीकली टेस्ट होंगे, लाइव क्लासेस होंगे जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस है इसको, ऐसा नहीं है कि प्लस का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो आप जितने भी ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो उसमें आप किसी की भी क्लास में जा सकते हो, एक ये भी चीज़ है, यू कैन अटेंड एनी टीचर्स क्लास वंस यू हैव टेकन सब्सक्रिप्शन फॉर प्लस, ऐसा नहीं है आपको दूसरे बैच में किसी और टीचर से पढ़ना है तो आप उनके लिए फिर दोबारा सब्सक्रिप्शन लो, नहीं, वन टाइम इज इनफ, वन टाइम अगर आप दो साल का सब्सक्रिप्शन एक बारी में ले लेते हो फिर किसी से भी पढ़ो, और इतने टीचर्स हैं कोई ना कोई तो बिल्कुल स्ट्राइक करेगा तुम्हारे साथ, समबडी इज गोइंग टू स्ट्राइक एब्सोल्युटली विद यू, ओके, तो प्लस पे क्लिक कर सकते हो, फ्री क्लास यहाँ पे अभी जस्ट 9:30 PM मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिविजन करा रही हूँ बेटा, पूरा चैप्टर, ठीक है, इन वन गो 1 hour वी विल रिवाइज द होल चैप्टर, सो यू कैन ज्वाइन मी देयर एज वेल, ठीक, ये प्लस के वो है अमाउंट, और ये आइकॉनिक नहीं प्लस का ही है, ओके, प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए है कोमल लाइव कोड लगा देना, इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए है सेम कोड फॉर कोमल लाइव अगेन, बम्पर ऑफर गोइंग ऑन 12, 18 एंड 24 मंथ्स, ठीक है, और कॉम्बैट, हाँ कॉम्बैट भी सुबह 11 बजे होता है एवरी संडे, ये तो ऐसे है कि स्कॉलरशिप ले लो रख दे तुम्हारे घर पे आके दे रहे हैं तुम तब भी नहीं कर रहे हो यार, कोमल लाइव कोड यूज़ द कोड एंड एनरोल, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इतने स्कॉलरशिप और इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं फिर भी एंड में कचरा कर देते हो, ठीक है, ये टेंशन है कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, ये है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने पेपर दिया और वो पेपर में मैम मार्क्स नहीं आए, इतना इंक्रीज होना था, ये क्वेश्चन, ये नहीं, बात करो भाई हमसे, बात करो क्योंकि हम आपका कोड लगाए थे, डोंट डू दैट मैन, पढ़ाने का मैं मूड ना खराब क्या करूँ, मैं वहाँ पे शुरू करी हूँ जहाँ पे बच्चों को बॉटनी पसंद भी नहीं है, ठीक है, जान लगा देती हूँ टॉपिक में ताकि कोशिश ये रहती है कि आपको इंटरेस्ट आ जाए बॉटनी जैसे सब्जेक्ट में जो कि आपको नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोशिश करते हो ये सोच के कि चल भाई अगर समझ में आ गया तो हम इंटेलिजेंट साउंड करेंगे, है ना, फिजिक्स आ गया मेरे को तो भाई मैं तो टॉप चीज़, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा हमको रिस्पेक्ट देने के लिए, सो वो बात अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट फील करने का मन करता है तो और थोड़ा मेहनत कर लोगे, जुआलॉजी तो आउट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक, वो तो नो डाउट अबाउट इट, अपने बारे में जानने में तो मैं तो भाई मैं बस मैं आई मी माई सेल्फ, तो वो भी ठीक है, बॉटनी जैसे सब्जेक्ट विच आइदर यू डोंट लाइक और यू डोंट फील वेरी इंटेलिजेंट इन एंड ट्राइंग टू मेक दैट सब्जेक्ट गुड, हेल्प, ठीक है, प्लीज हेल्प ऑन दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, 9:30 आई विल सी यू इन क्लास, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा रही हूँ मैं, लिंक आई विल बी सेंडिंग इन ऑल द टेलीग्राम ग्रुप्स, मेक श्योर टू जॉइन मी दैट, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.